आप आए और आपका कोई आदर ना करें तो फिर जाना कैसा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज सती भवानी का हृदय विचलित है। काल न जाने क्या क्रम दिखाने वाला है, आज सती का मन वैसा ही हो गया जैसा त्रेता युग में भवानी सीता का हुआ था। जब उस सोने के हिरण को सीता मैया ने वन में देखा, सीता मैया का मन विचलित हो गया और वो हाथ पकड़कर राघव का, हाथ पकड़कर रघुनंदन का और राम का कहने लगी कि हे राघव, मुझे तो ये हिरण चाहिए, मुझे तो इस हिरण की खाल चाहिए। देखो ना राघव, ये कितना सुंदर है। अब बताइए ना, क्या कभी सोने का हिरण हुआ? आज दिन तक कभी सोने का हिरण हुआ? लेकिन फिर भी सती भवानी भगवती सीता उस सोने के हिरण के मोह में आ गई और उन्होंने हठ कर लिया। और सावधान, जब जब भी कोई नारी हठ करती है तब तब उसका भयंकर परिणाम इस संसार में आता है। आज सीता मैया ने हठ कर लिया कि नहीं, मुझे तो ये सोने का हिरण चाहिए, तो बस चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि असंभव हेम मृगस्य जन्म, असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। क्या कभी सोने के हिरण का जन्म होता है? ये असंभव है। हेम कहते हैं सोने को, असंभव हेम मृगस्य जन्म। लेकिन फिर भी स्त्री हट के कारण तथापि रामो लुलुभे मृगाय, राम भी उस मृग के लोभ में आ गए। और आज यही घटना भवानी पार्वती के सती के साथ हो रही है। सती ने जिद पकड़ लिया कि नहीं देव, मैं तो अपने पिता के उस यज्ञ में जाऊंगी। और जब भगवान शंकर ने देखा कि अब विधि का यही विधान है, तो भगवान शंकर सती को कहने लगे कि हे देवी, अगर आपका इतना ही मन है तो आप अपने पिता के भवन अवश्य जाएं, लेकिन आप अपने साथ में नंदी आदि गणों को लेकर के जाइए। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए और भवानी सती बिना न्योते, बिना निमंत्रण, बिना मनुहार अपने पिता के भवन में उस यज्ञ में गई। क्या हुआ सती भवानी के साथ? आइए तुलसी बाबा की इन चौपाइयों के साथ में हम दर्शन करते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। बहुत मुस्काता
अति पिता भवन जब गई भवानी, जब भवानी सती पिता के भवन में पहुंची, दक्ष त्रास काहू न सन्माने। दक्ष ने सती के हृदय को त्रास दिया, सती के सामने भी नहीं देखा और सती का कोई सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, एक मां थी जो सती को आया हुआ देखकर दौड़ी दौड़ी आई और जाकर सती भवानी को अपने हृदय से लगा लिया। मां का हृदय ऐसा ही होता है ना। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली, भगिनी माने बहने, जो बाकी की बहने थी ना, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, हंसते हंसते उपहास उड़ाते हुए, क्योंकि बाकी की सारी बहनों को तो न्योता दिया था लेकिन सती को कोई निमंत्रण नहीं था। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने तो यह भी नहीं पूछा कि अरे बेटी तू कैसी है, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है, तू कुशल से तो है। एक बार भी पिता दक्ष ने सती भवानी के सर पर हाथ रखकर यह नहीं पूछा कि बेटी तू कैसी है। सहित बिलो के जरे सब जाता, सती को ऐसा लगा कि अरे ये मुझसे कैसी भूल हो गई, अरे ये मैंने कैसा अपराध कर दिया। यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, सती मन में विचार करने लगी कि इस संसार में वैसे तो अनेकों प्रकार के दुख हैं लेकिन सबसे कठिन जाति अपमाना। जानते हो इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, क्या है इस संसार का सबसे बड़ा दुख? यह है कि आपके ही घर के लोग, आपके ही परिवार के लोग, आपके ही समाज के लोग और आपके स्वयं के लोग ही जब आपका सम्मान नहीं करते, जब आपका मान नहीं करते, जब आपकी आपका महत्व नहीं समझते, उससे बढ़कर उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता। आज सती भवानी के जीवन में भी यही हुआ। यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपन माना। आज उसके ही घर वालों ने उसका कोई सम्मान नहीं किया। समुझी सो सीत ही भयउ अति क्रोधा, फिर सती को क्रोध आ गया। सती ने इधर उधर उस पूरे सभा भवन का अवलोकन किया, जगह जगह जहां पर वो यज्ञ हो रहा था, सारे देवी देवताओं के पीठ बनाए गए थे, सबके भाग बनाए गए थे, लेकिन ईर्ष्या के वशीभूत उस अभिमानी दक्ष ने भगवान शंकर का उस यज्ञ में कोई भाग नहीं रखा। जब अपने पति भूत भवन भगवान शंकर का कोई स्थान उस यज्ञ में सती ने नहीं देखा, शिव अपमान न जाय सही हृदय होई प्रबोध, तब सती के हृदय में विवेक ने जन्म लिया। मन ही मन सती भवानी अपने पति भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगने लगी। सती कहने लगी कि हे देव, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, आप मुझे हृदय से क्षमा करें। शिव अपमान न जाय सही हृदय होई प्रबोध, सकल सबई हठी हर की जब बोली वचन कठोर। अपने पिता राजा दक्ष को कठोर वचन बोलते हुए सती भवानी कहने लगी कि हे पिताजी, मुझे ये कहते हुए लाज आती है कि मैंने आप जैसे अभिमानी पिता से ये जन्म प्राप्त किया है। अरे जो भगवान शंकर से देश रखता है, जो भगवान शंकर से बैर रखता है, उस व्यक्ति का तो मुंह देखना भी इस संसार में पाप है। अरे वो भगवान शंकर जो मात्र चार जल की बूंदों से प्रसन्न हो जाते हैं, जिसका दर्शन पाकर संसार के लोग पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान शंकर से आप द्वेष रखते हैं, मुझे लाज आती है, धिक्कार है मेरे इस मनुष्य देह पर
धिक्कार है मेरे इस शरीर पर कि मैंने आप जैसे मूर्ख और अभिमानी व्यक्ति के द्वारा इस संसार में जन्म प्राप्त हुआ। इस जन्म से, इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं अभी इसी समय मेरी इस देह को भस्म कर दूं। और ये कहकर उस सभा भवन के बीचों बीच जाकर सती भवानी खड़ी हो गई। सारा ब्रह्मांड डोलने लगा, ब्रह्मा विष्णु नारद कांप रहे हैं। आज सती भवानी अपनी योग अग्नि से उस अग्नि का आवाहन करने लगी। सती भवानी ने अपने शरीर से योग अग्नि को प्रकट किया और उसी समय उस सभा मंडप में सती भवानी के शरीर से योग अग्नि प्रकट हुई और सबके देखते ही देखते सती भवानी की वो देह अग्नि को समर्पित हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु नारद किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, दसों दिशाएं डोलने लगी, समुद्र का पानी उछाले भरने लगा, पर्वत डोलने लगे। भगवान शिव की समाधि छूट गई। भगवान शिव ने देखा कि उनकी प्राण प्रिया सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय भगवान शंकर ने क्रोध करते हुए अपनी जटा में से एक जटा उखाड़ी, उसे धरती पर पटका और उस जटा में से वीरभद्र प्रकट हुआ। वो वीरभद्र जो भगवान शंकर के समान ही दिखाई देता था। भगवान शंकर आदेश देते हुए कहने लगे कि जाओ वीरभद्र जाओ और उस अभिमानी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वो वीरभद्र निकल पड़ा उस यज्ञ की ओर। वीरभद्र को आया हुआ देखकर दक्ष के सारे अनुयायी दौड़ पड़े। उस वीरभद्र ने दक्ष के सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। राजा दक्ष अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है और ज्यों ही वीरभद्र की दृष्टि राजा दक्ष पर पड़ी उसी समय वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से राजा दक्ष के सिर को हाथ में ले लिया। राजा दक्ष के सिर को हाथ में लेकर और वीरभद्र ने जोर से एक झटका मारा। राजा दक्ष का सिर धर से अलग हो गया और उसे जलते हुए हवन कुंड में जाकर ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव के नाम की आहुति दे दी। सारे जगत में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर भवानी सती की उस मृत देह को लेकर इधर उधर डोल रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि हे सुदर्शन तुम जाओ और सती भवानी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक सती भवानी का ये शरीर भगवान के शंकर के हाथ में रह गया तो सारा सारा संसार यहीं पर भस्मीभूत हो जाएगा। सुदर्शन चक्र का स्पर्श पाकर सती भवानी के अंग एक एक कर कटकर गिरने लगे और जहां जहां पर धरती पर वे अंग पड़े वे सारे स्थान आज भी शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते। सभी देवी देवता मरे हुए उस राजा दक्ष के धड़ को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश में गए। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश में। भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला है, दोनों आंखें लाल हैं। जाकर ब्रह्मा विष्णु नारद सनकादि ऋषि भगवान शंकर की वंदना करने लगे और ज्यों ही ब्रह्मा को आया हुआ देखा, विष्णु को आया हुआ देखा, नारद की स्तुति सुनी, भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। भगवान शंकर तो ऑर्डर दानी है ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ब्रह्मा जी भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे कि हे शंकर, हे भूत भावन, हे ऑर्डर दानी, हे जगत नियंता,
हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आप इस अभिमानी दक्ष का अपराध क्षमा करें। बार बार जब सभी देवी देवताओं ने अनुनय विनय की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर हंसते हुए ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं इस राजा दक्ष जैसे अभिमानी लोगों की न तो परवाह करता हूं और न ही इनकी तरफ देखता हूं, आप लोग क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ, सृष्टि का संचालन करने के लिए राजा दक्ष का जीवित होना अति आवश्यक है, आप इस पर करुणा करें और आप इसे पुनर्जीवित करें, नया जीवन प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा कि जाइए उत्तर दिशा की ओर और सामने से जो कोई भी आता हुआ प्राणी दिखाई दे, उस प्राणी का सिर काटकर मेरे पास लाइए, मैं अभी राजा दक्ष को नया जीवन प्रदान कर दूंगा। गए सभी लोग दौड़कर उत्तर दिशा की ओर और सामने से उन्हें एक बकरा आता हुआ दिखाई दिया। उस बकरे का सिर लेकर सभी कैलाश पर आए और भगवान शंकर ने उस बकरे के सिर को लेकर उस कटे हुए राजा दक्ष के धड़ को स्पर्श किया और मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात्। जो ही इस मंत्र का उच्चारण किया उसी समय राजा दक्ष जीवित हो उठा, राजा दक्ष के भीतर प्राण आ गए और जो ही राजा दक्ष जीवित हुआ सारे देवी देवता हर्षित हो उठे, सबने भगवान शंकर की, उस कैलाश के निवासी की बारंबार वंदना की। सब भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे कैलाश के निवासी, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय नमः शिवाय। कैलाश के निवासी ओ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तू
भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा ततार तू, बड़ा ततार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, है गंग धार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंग धार मुक्ति द्वार ओमकार तू, जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार आशुतोष भगवान शिव ने देवताओं के ऊपर आए हुए इस महान संकट से देवताओं को तार दिया। कथा के प्रवाह को बढ़ाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुरुचि राजा को बहुत ज्यादा प्रिय थी, सुनीति राजा को इतनी अच्छी नहीं लगती थी। सुनीति किसे अच्छी लगती है बताइए ना, इस संसार में ऐसा कौन आदमी है जो नीति से चलना चाहता है? कोई नहीं चाहता ना, स्वरुचि से ही, स्वरुचि, सुरुचि माने स्वरुचि, जो हमें अच्छा लगे वही हम करते हैं। राजा को भी सुरुचि ही पसंद थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लाड दुलार कर रहे थे कि उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव दौड़ता दौड़ता आया और आकर राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। जो ही ध्रुव आकर गोद में बैठा कि उसी समय राजा की पत्नी सुरुचि ने ध्रुव को बाह पकड़कर और गोद से नीचे पटक दिया।
सुरुचि ध्रुव को कहने लगी कि अरे तुझे राजा की गोद में बैठने का बड़ा शौक है, और अगर तुझे इतना ही शौक है तो तू एक काम कर, तप कर, नया जन्म धारण कर, मेरी कोख से पैदा हो, तब जाकर के तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। अरे राजा की गोद में तो मेरा पुत्र ही बैठ सकता है, और तू मेरा पुत्र है नहीं, इसलिए जा तप कर, क्योंकि इस जन्म में तो तू बैठने का अधिकारी नहीं है। अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, अस कही ऐसा कहकर बाह पकड़कर मंदिर बाहर दीन खदेड़ी, पकड़कर उसे घर के बाहर फेंक दिया। किसने? सुरुचि ने। छोटे से बालक ध्रुव को बात जची नहीं, दौड़ा दौड़ा गया बालक ध्रुव मां सुनीति के पास, और जाकर मां सुनीति का हाथ पकड़कर कहने लगा कि मां मां मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, मुझे हरि को पाना है। मां सुनीति मन में विचार करने लगी कि अरे आज ये मेरे बालक को क्या हो गया, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सुनीति लाड दुलार करते हुए ध्रुव को कहने लगी कि अरे बेटा ध्रुव, आज तुझे ये क्या हो गया, क्या किसी ने तेरा अपमान कर दिया? अगर किसी ने तेरा अपमान कर दिया तो कोई बात नहीं, अरे बालकों को अपमान का दोष लगता ही नहीं है, तू क्यों चिंता करता है, बोल बोल तुझे क्या चाहिए। तू चाहे तो मैं बढ़िया से बढ़िया खिलौना ला करके तुझे दूं, तू चाहे तो तेरे लिए बढ़िया छप्पन भोग तैयार करके तुझे भोजन करवाऊं, तू चाहे तो तुझे उत्तम उत्तम वस्त्र ला करके दूं। लेकिन ध्रुव था ना, नाम क्या था? ध्रुव, और ध्रुव माने अटल। एक बार जो निश्चय कर लिया वो कर लिया। ध्रुव कहने लगे कि नहीं माता, अब तो मेरे जीवन का एक ही परम लक्ष्य है कि जब तक मैं हरि को प्राप्त नहीं कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मां सुनीति समझ गई कि अब मेरे पुत्र के पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म उदय हो गया है। उसी समय मां सुनीति ने बालक ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि जा बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जा और जाकर तप कर। बालक ध्रुव अपनी मां सुनीति का आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए, और जब जब भी कोई जीवात्मा अपने जीवन में अटल लक्ष्य लेकर प्रभु से मिलने का निकल पड़ता है, उसके मार्ग में कोई न कोई मार्गदर्शक जरूर आकर के खड़ा हो जाता है। जो ही वन में पहुंचे ध्रुव, मार्ग में उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी का मिलना ये प्रमाण देता है कि अब ध्रुव के जीवन में हरि आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब जब भी किसी के जीवन में नारद आते हैं, समझ लेना कि अब हरि उनसे मिलने वाले हैं। नारद ने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक वन में विचरण कर रहा है। नारद जी उसके पास गए और जाकर के पूछने लगे कि अरे बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और इस घोर जंगल में तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? ध्रुव कहने लगे कि मैं राजा उत्तानपाद और माता सुनीति का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है, और हरि को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर मैं घर से निकल पड़ा हूं। नारद जी कहने लगे कि अरे बेटा अभी तो तेरी उम्र खेलने कूदने की है, अभी तेरी उम्र हरि से मिलने की, तप करने की, जप करने की, आराधना करने की नहीं है, तू जा वापस घर जा, हो सकता है किसी ने तेरा अपमान कर दिया हो, तेरे मन को ठेस पहुंचा दी हो, लेकिन देख इस जंगल में बड़े भयंकर जानवर विचरण करते हैं, इस जंगल में बड़े भयंकर शेर सियार चीते और भालू घूमते हैं, और तू रहा छोटा सा बालक, कल को अगर कुछ हो गया तो। ध्रुव जी कहने लगे कि हे नारद जी आप इस बात की चिंता न करें, सकल से तो आप मुझे कोई देवदूत दिखाई पड़ते हैं, अगर आप हरि से मिलने का कोई उपाय जानते हैं तो आप मेरे मार्ग में खड़े रहिए, नहीं तो हे नारद जी आप मेरे मार्ग से हट जाइए। कितनी बड़ी बात
आज एक छोटे से बालक ने देवऋषि नारद को कह दी। शास्त्र ये कहता है कि प्रभु के मिलन के मार्ग के बीच में अगर कोई भी आ जाए तो उसे मार्ग से हटा देना, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, और चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। गुरु भी अगर पिता से, गुरु भी अगर प्रभु से मिलने के बीच में मार्ग में आकर खड़े होते हैं ना, तो उन्हें मार्ग से हटा देना चाहिए। ज्यों ही नारद जी ने देखा कि इस बालक की निष्ठा अटल है, अपने नाम की तरह ये ध्रुव अटल है, नारद जी आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि बेटा ध्रुव, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा प्रसन्न हूं। ले, मैं तुझे वो मार्ग दिखलाता हूं जिस मार्ग पर चलकर तू बहुत ही कम समय में उस हरि को प्राप्त कर लेगा। हरि से तो कौन मिलवाता है, गुरु ही मिलवाते हैं ना। आज नारद जी गुरु बनकर ध्रुव के जीवन में आए हैं। गोविंद से तो गुरु ही मिलवाता है, इसीलिए तो हम गोविंद से पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ध्रुव जी महाराज को रहस्य बताते हुए नारद जी कहने लगे कि हे ध्रुव, मैं जो मंत्र तुझे देने जा रहा हूं ना, ये मंत्र बड़ा गुप्त है, बड़ा गुह्य है, और ये मंत्र हरि का ही साक्षात स्वरूप है। और जानते हो ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया? नहीं जानते ना, सभी जानते हैं वो मंत्र कौन सा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। उस मंत्र में 12 अक्षर हैं। कितने? 12। उस मंत्र को हमारे शास्त्र में द्वादशाक्षर मंत्र कहा, और वो मंत्र इस भागवत महापुराण का मूल मंत्र है। और इस मंत्र की एक बड़ी विशेषता है, बड़ी गूढ़ विशेषता है, बताऊं आपको? जब मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा ना, आप सब मेरे साथ साथ इस मंत्र का गायन करेंगे। इस मंत्र की विशेषता यह है, शास्त्र प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से किसी योग्य गुरु के द्वारा इस मंत्र को प्राप्त कर और 7 रात्रि तक लगातार अनवरत अगर इस मंत्र का जप करे, तो उस मनुष्य को आकाश में घूमने वाले देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं महाराज, आकाश में घूमने। अब बताइए कौन कौन लोग उन देवताओं का दर्शन करना चाहते हैं, हाथ खड़े करके बताइए। ये देखो, बिना लालच के कोई हाथ खड़े नहीं करता महाराज। चलो लालच ही सही, लोभ ही सही, प्रभु से मिलने में तो लोभ भी स्वीकार्य है। कौन सा मंत्र दिया? वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए एक साथ, एक बार मेरे साथ, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। महाराज नारद जी के द्वारा बताई गई विधि से ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे इस मंत्र का गायन करने लगे। आइए ध्रुव जी महाराज के साथ जिन जिन को हरि से मिलना है, जिन जिन को हरि से प्रेम है, और जो चाहते हैं कि उनके जीवन में हरि अवतार लेकर के आए, वे सब अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए इस मंत्र का गायन करेंगे। आइए बड़े प्रेम और भाव से। नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। सभी गाइए, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
हमारे गंधर्व मंडली के गंधर्वों से मैं कहूंगा कि वे नहीं गाए, वे खाली बजाएंगे, गाओगे आप। क्या आपको हरि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो आइए लय में लय मिलाते हुए एक बार सभी हृदय पर हाथ रखकर दोनों हाथ खड़े कर बताइए कौन कौन चाहता है कि हरि उनके जीवन में आए। झूठ बोलते हो महाराज, सब झूठ बोलते हो। अगर वाकई में आप चाहते हो तो बोलिए ना, ओम नमो। आवाज नहीं आ रही, ओम नमो। मैं हमारे लाइव टेलीकास्ट के कैमरामैनों से कहूंगा कि इनके ऊपर कैमरा रखें, सारी दुनिया देखें कि ये बोलते हैं कि नहीं बोलते। आवाज आनी चाहिए, ओम नमो भगवते। पुरुषों से आवाज नहीं आ रही, आपसे तो मात्र शक्ति भारी पड़ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Okay.
वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के द्वारा बताए गए साधन से ध्रुव बालक ने तपस्या आरंभ कर दी। सर्वप्रथम ध्रुव जी ने 3 दिन के उपवास में कैथ और बैर के फल खाकर ही उपवास किया और फिर केवल यमुना का जल पीकर और ध्रुव जी ने उपवास आरंभ किया। समाधि योग से ध्रुव जी भगवान की आराधना करने लगे। समय बीतते 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 ध्रुव जी ने अपनी श्वास को जीत लिया और फिर एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज परमात्मा के साथ एकाकार हो गए। जब ध्रुव जी ने अपनी आत्मा को उस विश्वात्मा की आत्मा के साथ एकाकार कर दिया, उसी समय पूरे संसार की पवन रुक गई, पूरे संसार की हवा रुक गई, सारे देवी देवताओं के प्राण छटपटाने लगे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे हरि, ये कैसे प्रलय की आशंका है? कहीं और कोई दैत्य घोर तप तो नहीं कर रहा? श्री हरि मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे देवताओं, तुम डरो मत, मेरे प्रिय भक्त छोटे से बालक ध्रुव ने अपनी आत्मा को मुझ विश्वात्मा की आत्मा के साथ लीन कर दिया है। अभी मैं जाकर उसे दर्शन दूंगा, तब आप सबका संकट दूर हो जाएगा। और यों कहकर निकल पड़े वैकुंठ छोड़कर भगवान ध्रुव को दर्शन देने। और चलते 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 श्री हरि यमुना के तीर उस वन में ध्रुव जी महाराज के सामने जाकर के खड़े हो गए, जहां आंख बंद किए हुए ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आहा, कितना मनोरम दृश्य! भगवान ध्रुव के सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी ध्रुव अपनी आंख नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में ही भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि जब तक ये हृदय में मुझे देखता रहेगा, तब तक ये मुझे सामने देख नहीं पाएगा। उसी समय भगवान ने लीला की और ध्रुव जी महाराज के हृदय से अपनी झांकी को गायब कर दिया। जो ही वो झांकी हृदय अदृश्य हुई और जो ही ध्रुव जी ने आंख खोली, अपने सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री हरि को देखा और श्री हरि के चरणों में ध्रुव जी लौट गए। भगवान के चरणों में गिरकर ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बार बार भगवान चाहते हैं कि वे ध्रुव को उठाएं, लेकिन ध्रुव उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रभु ने करुणा करते हुए ध्रुव को उठाया और उठाकर ध्रुव को भगवान ने आज अपनी गोद में बिठा दिया। सारे देवी देवता आकाश मार्ग से इस दृश्य को देख रहे हैं कि वो जगत नियंता, जिसका दर्शन करने के लिए हजारों हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि गुफाओं में तप करते हैं, आज उस हरि की गोद में ध्रुव बैठे हैं। सारे देवी देवता मन ही मन ध्रुव को कहते हैं कि तू धन्य है ध्रुव, तू धन्य है। अरे, जिनका दर्शन हमें युगों युगों तक नहीं होता, आज वो जगत नियंता तुझे गोद में लेकर लाड दुलार कर रहा है। प्रभु की कृपा देखिए, जिस ध्रुव को संसार के पिता की गोद ने ठुकरा दिया, उसे मेरे ठाकुर की गोद मिल गई, मेरे ठाकुर की गोद मिल गई। आज ध्रुव जी के नेत्र सजल हैं। बार बार भगवान ध्रुव के मुखमंडल पर हाथ फेर रहे हैं, ध्रुव का लाड दुलार कर रहे हैं। भगवान ध्रुव से कहने लगे कि मांग बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? आज मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा प्रसन्न हूं। जिस तरह एक गाय
अपने बछड़े का वात्सल्य करती है, लाड दुलार करती है, उसी तरह भगवान ध्रुव का लाड दुलार कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज की तो वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्र सजल है, गला भरा हुआ है। उसी समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया, और जो ही भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर अपना शंख लगाया, ध्रुव जी की वाणी फूट पड़ी, ध्रुव जी की वाणी फूट पड़ी। ध्रुव जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, जिस जीवात्मा के जीवन में आपका दर्शन हो जाए, जिसे आप साकार रूप में मिल जाए, उसके जीवन में मांगना कुछ भी शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। हे प्रभु, अब मैं आपसे क्या मांगू? भगवान कहने लगे कि नहीं ध्रुव, क्योंकि भगवान मन में जानते थे कि ध्रुव ने किस इच्छा को लेकर ये तप आरंभ किया है। और ध्यान रखना, जप करते समय, तप करते समय, साधना करते समय जो इच्छा हमारे मन में प्रबल होती है ना, वो इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। भगवान कहने लगे कि हे ध्रुव, मैं जानता हूं कि तूने किस इच्छा के बल पर मुझे याद किया है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू जो चाहता है वो तुझे मिलेगा। और हे ध्रुव, तू तो इस संसार के पिता की गोद मांग रहा था, जा, मैं तुझे अपना वो उत्तम लोक प्रदान करता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। आज से मेरे उस लोक का नाम तेरे लोक पर होगा, उसे सारी दुनिया ध्रुव लोक के नाम से जानेगी। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन ध्रुव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, हे मुकुंद, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे ठाकुर, आप मुझे वरदान मत दीजिए, आप तो केवल इतनी करुणा करें कि हे गिरधर, हे ठाकुर, सदैव आपका हाथ मेरे सिर पर बना रहे, मेरे सिर पर बना रहे। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो जन्म जन्म तक मुझे अपना प्यार दीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, हो तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। अरे प्रेम और भाव से दोनों हाथ पर उठाते हुए, किन किन को ये लगता है कि उनके जीवन में ठाकुर की मेहर है, ईमानदारी से बताना। तो जिनको लगता है वे उठकर और नाचकर प्रभु का धन्यवाद दें।
देखिए, जिन पर मेरा ठाकुर कृपा करता है ना, वही इस कथा में आ पाते हैं। और देखिए ना, आज की हमारी कथा में कहां कहां से लोग आए हैं। श्रीमती उषा जी व्यास के साथ शहर से इतनी गोपियां आई हैं, संतोषी माता मंदिर से हमारे जगदीश जी सांखला आए हैं, शहर से ही हमारे गुरु गोविंद कला, आहा, हमारे जोधपुर के गौरव, पूरे राजस्थान ब्राह्मण परिषद का मैं स्वागत करता हूँ। इतने लोग आए हैं, इन सब पर मेरे ठाकुर की कृपा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कल हमारी कथा में वो ठाकुर स्वयं आने वाला है। किन को ये लगता है कि ठाकुर उनके साथ जन्म जन्म तक रहे? सबको लगता है ना, तो ये लोग नहीं गाएंगे। देना हो तो ओ देना हो तो तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe 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 Krishna,
Radhe 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 Shyam 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 Radhe Radhe Radh